नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने इंटरनेट पर आजादी की पुरजोर वकालत की है। नेट न्यूट्रलिटी को लेकर ट्राई ने सुझाव दिया कि टेलीकॉम कंपनियां किसी भी वेबसाइट को ना तो ब्लॉक कर सकती है, ना ही इंटरनेट स्पीड को लेकर किसी तरह की छेड़छाड़ कर सकती है, यानी कि इंटरनेट सबके लिए बराबर है। सुझावों में कहा गया कि इंटरनेट मुहैया कराने वाली सभी कंपनियां बिना किसी भेदभाव के हर यूजर को कंटेंट मुहैया कराए, और इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि आखिर नेट न्यूट्रलिटी क्या है। इंटरनेट पर नहीं होगा भेदभाव, हर किसी को मिलेगा समान कंटेंट, आपकी आजादी नहीं छीनेंगी कंपनियां। नेट न्यूट्रलिटी सुनने में भले ही मुश्किल लगता है, लेकिन यह हर उस शख्स से जुड़ा है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने किसी भी टेलीकॉम कंपनी से कोई इंटरनेट पैक लिया है और आपके इंटरनेट पर कौन सी वेबसाइट्स दिखेंगी, ये टेलीकॉम कंपनियां ही तय करने लगेंगी, तो कैसा होगा? ये कुछ कुछ वैसा ही होगा जैसा खाना खाते वक्त आपकी प्लेट में आपकी पसंद का नहीं बल्कि खिलाने वाले की पसंद का खाना परोसा जाए। इसी पर है नेट न्यूट्रलिटी की सारी बहस। नेट न्यूट्रलिटी के मुताबिक इंटरनेट सबके लिए न्यूट्रल है, यानी इंटरनेट और इस पर मौजूद सारी जानकारी। लेकिन कुछ कंपनियों ने ज्यादा कमाई के चक्कर में ये करने की कोशिश की कि वो इंटरनेट पर मौजूद कंटेंट को अपने मुताबिक दिखाएं, और इसी के बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आगे आना पड़ा। हमने प्रो कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के हित को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट पर अवस्थित किसी भी कंटेंट को न तो वो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट दे सकेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, न वो थ्रॉटल कर सकेगा, न किसी कंटेंट को ज्यादा प्राथमिकता दे सकेगा फास्ट लेन के माध्यम से, न उसको ब्लॉक कर सकेगा। ये और बात है कि सरकारें अपनी नीतियों के मुताबिक इंटरनेट पर कुछ वेबसाइटों और सेवाओं को ब्लॉक कर सकती हैं, लेकिन यह हक इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी को नहीं दिया जा सकता। हर सर्विस प्रोवाइडर के लिए जरूरी है कि वो इंटरनेट पर मौजूद सारी वेबसाइटों को समान रूप से उपलब्ध कराए। सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट पैक का पैसा ले सकता है, लेकिन एक बार इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद उसे यूजर को पूरा इंटरनेट उपलब्ध करवाना होगा। केवल वही वेबसाइटें ब्लॉक की जा सकती हैं जिन्हें सरकार ने ब्लॉक करने को कहा है। यहां तक कि सरकार भी ये नहीं कर सकती कि कोई वेबसाइट कुछ लोगों के लिए ब्लॉक हो जाए और देश के अन्य लोग उसे प्रयोग करते रहें। ऐसा करना भी नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, नेट न्यूट्रलिटी को समझने के बाद आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ और देश में इसे लेकर आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। आपके लिए भी इस मुद्दे को जानना बेहद जरूरी आखिर क्यों है, समझिए। अंग्रेजी उपन्यासकार जेम्स हिल्टन ने कहा है कि अगर नेट न्यूट्रलिटी खत्म हो गई तो इंटरनेट में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। एक तरह से जिस इंटरनेट को आप जानते हैं उसकी मौत हो जाएगी। नेट न्यूट्रलिटी शब्द का इस्तेमाल साल 2000 के बाद से चलन में आ गया है। साल 2003 में कॉमकॉस्ट और AT&T नाम की इंटरनेट कंपनियों पर मुकदमा हुआ, जिन्होंने बिट टॉरेंट और फेसटाइम सेवाओं को ब्लॉक कर इंटरनेट के ट्रैफिक में बाधा पहुंचाई थी। 20 अगस्त 2013 को फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने internet.org नाम से एक संस्था बनाई। बाद में इसका नाम बदलकर फ्री बेसिक्स कर दिया गया। आजकल नेट न्यूट्रलिटी पर जो चर्चा चल रही है वो फ्री बेसिक्स की वजह से ही शुरू हुई थी। फ्री बेसिक्स ने एयरटेल के साथ मिलकर 2014 में एक प्लान सामने रखा था। प्लान ये था कि एयरटेल के यूजर्स कुछ वेबसाइट्स बिना पैसे दिए इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन बाकी वेबसाइट्स को यूज करने के लिए उन्हें डेटा पैक खरीदना होगा। ऊपरी तौर पर तो ये प्लान एकदम बढ़िया है, लेकिन ये प्लान नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ है। वो इसलिए कि अगर एक बार इस तरह के प्रयोगों को छूट मिल गई तो फिर इंटरनेट स्वतंत्र नहीं रहेगा। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी टुकड़ों में बंट जाएगी। आप किसी टुकड़े तक पहुंच पाएंगे और किसी दूसरे टुकड़े को देखने के लिए आपको और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे।
फेसबुक और गूगल जैसी इंटरनेट कंपनियां चाहती हैं कि इंटरनेट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इसी से इनका व्यापार बढ़ता है। लेकिन जैसे ही देश में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने की कगार पर आया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अब ट्राई ने सिफारिश दी है कि कंपनियां ना तो किसी का इंटरनेट घटा सकती है और ना ही बढ़ा सकती है। साथ ही किसी भी कंपनी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करे। वैसे ट्राई की सिफारिशें टेलीकॉम मंत्रालय के पास गई हैं और इन पर कैसे और क्या कानून बनेगा, इस पर अंतिम फैसला भी टेलीकॉम मंत्रालय ही लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर अगले आधे घंटे हम बातचीत करेंगे। आपके लिए शो बेहद खास है, क्योंकि आपको समझना होगा कि आखिर नेट न्यूट्रलिटी क्या है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। आरएस शर्मा साहब है, चेयरमैन है ट्राई के, उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ राजेश छरिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है ISPAI के। और मेरे साथ मनोज गरोला है, टेलीकॉम एनालिस्ट है, स्टूडियो में मौजूद है। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। उपासना टाकू जो कि को फाउंडर है क्विक की, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरएस शर्मा साहब से। आरएस शर्मा साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आखिर यहां पर इन सिफारिशों जो सुझाव सिफारिशें आपने की हैं, उससे कंज्यूमर को कैसे फायदा होगा? सर देखिए, ऐसा है कि आज के जमाने में इंटरनेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और इंटरनेट के माध्यम से हमें सारी जानकारियाँ, एप्लीकेशंस, बैंकिंग सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज हमें प्राप्त होती हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट एक ओपन प्लेटफॉर्म के रूप में हम उसकी जो आइडेंटिटी है उसको हम अक्षुण्ण रखें। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने प्रो कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के हित को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट पर अवस्थित किसी भी कंटेंट को न तो वो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट दे सकेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, न वो थ्रॉटल कर सकेगा, न किसी कंटेंट को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकेगा फास्ट लेन के माध्यम से, न उसको ब्लॉक कर सकेगा। तो एक प्रकार से ये जो इंटरनेट की जो ओपननेस है और प्लेटफॉर्म नेचर है, उसको हमने प्रिजर्व करने के लिए ये निर्णय लिया है। सर एक और सवाल ये उठता है कि आखिर जो सुझाव ट्राई ने यहां पर दिए हैं, उन्हें लागू कैसे किया जाएगा? देखिए, मैं इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, उसको बता दूं आपको कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने पिछले वर्ष मई में हम लोगों से ये कहा था कि आप नेट न्यूट्रलिटी पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन हमें दीजिए। उसी प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने मई में ही एक प्री कंसल्टेशन पेपर निर्गत किया था नेट न्यूट्रलिटी के बारे में, और उसके बाद जनवरी इस वर्ष हमने जनवरी में एक दूसरा कंसल्टेशन, जो प्रॉपर कंसल्टेशन पेपर है, वो निकाला था। और इसके तहत हम लोगों ने सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इस विषय के, उन सब से हमने संपर्क करके उन सब की राय मांगी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हो रहा है उसके बारे में भी हमने राय मांगी थी, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। और उसके सारे निचोड़ के बाद, करीब एक डेढ़ वर्ष कह लीजिए आप, डेढ़ वर्ष की एक्सरसाइज के बाद हमने ये रिकमेंडेशंस इशू किए हैं। अब ये रिकमेंडेशंस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भेज दिए गए हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को इन रिकमेंडेशंस के बारे में निर्णय लेना है। हम लोगों ने जो मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी की बात की है, वो ये है कि नेट न्यूट्रलिटी के कुछ एक्सक्लूजन होंगे और कुछ एक्सेप्शन होंगे। एक्सेप्शन का अर्थ हुआ कुछ इमरजेंसी सर्विसेज हैं मान लीजिए, या आप मान लीजिए कि जैसे कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड, टेलीकॉम के जो पाइप्स हैं वो पाइप चोक हो रहे हैं या कुछ और समस्या पैदा हो रही है, तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स नेटवर्क जो के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उनके नेटवर्क पर अटैक हो रहा है, तो उस अटैक को रोकने के लिए कुछ उपाय उन्हें करने होंगे। उसी प्रकार से अगर कोई लॉफुल कहा गया है किसी साइट को ब्लॉक करने के लिए, तो उन्हें ब्लॉक करना होगा। तो ये सारी किसी न्यायालय के आदेश के अनुसार कोई चीज़ की जा रही है तो उसको मानना होगा, इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक कोई चीज़ हो रही है उसको मानना होगा। तो ये सारी व्यवस्थाओं में कोई उसका दुरुपयोग ना हो, इस दुरुपयोग को देखने के लिए, इसको सुपरवाइज करने के लिए हमने प्रस्तावित किया है कि एक मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी होनी चाहिए, और ये टेलीकॉम विभाग अपना इस रिकमेंडेशंस पर विचार करेगा, जिसके हिसाब से हम लोग उसमें इसको एंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को कोई कहीं किसी गार्ब में वॉयलेट तो नहीं कर रहा।
ठीक है सर, ये भी देखना होगा कि जो प्रिंसिपल्स है, जैसा कि आपने कहा कि वायलेट तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस पर पूरी तरह से आप नजर कैसे बनाकर रखेंगे ये मनोज जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले राजेश, मिस्टर चरिया, क्या आप सपोर्ट करते हैं नेट न्यूट्रलिटी को? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नेट न्यूट्रलिटी, जैसा शर्मा जी ने भी कहा, बहुत यूजफुल है इंटरनेट यूजर्स के लिए, और हम एज ए ISPI इसको काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, जिससे कि जो इंटरनेट का यूजर्स है उसको कहीं पर भी डिस्पैरिटी ना हो, उसको जो सर्विसेज उसको चाहिए, जो नेटवर्क वो देखना चाहता है वो अपने तरीके से देखे, कहीं उस पर कंट्रोल ना हो। जो अभी ट्राई रेगुलेटर ने रिकमेंडेशन दी है, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज तक ट्राई ने मालूम नहीं कितनी रिकमेंडेशन ऐसी दी हैं जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक स्पेशल बूस्ट दे सकती हैं, बट समहाउ जो गवर्नमेंट का एक दूसरा डिपार्टमेंट है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, वो उसको लागू नहीं करता, जिसकी वजह से जो आपकी रिकमेंडेशन है साल डेढ़ साल में उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर हमने जैसे काफ़ी दिनों से हम एक इशू उठा रहे हैं, और जबकि शर्मा जी ने कल प्रेस स्टेटमेंट में कहा भी था कि मैं नेट न्यूट्रलिटी के साथ OTT के ऊपर भी अपना रिकमेंडेशन दूंगा, बट किसी तरीके से उन्होंने OTT के रिकमेंडेशन को थोड़ा सा अभी बैकलॉग में डाल दिया है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि काफी दिनों से इंडस्ट्री कह रही है सेम सर्विस सेम रूल और लेवल प्लेइंग फील्ड, उसको कहीं एड्रेस नहीं किया जा रहा, और ये एड्रेस नहीं करने की वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ऑलमोस्ट वो खत्म होती जा रही है। आपने देखा होगा कि जिस टाइम में 13 प्लेयर थे मोबाइल के, यूजर को एक काफी अच्छा रेट मिला था और काफी कंपटीशन आया था, स्लोली स्लोली वो सारा कंसोलिडेशन 3 प्लेयर्स में रह गया है, और कहीं मुझे लगता है कि कहीं ये थोड़े दिन में मोनोपोलिस्टिक मार्केट ना बन जाए, जिसका खामियाजा यूजर को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, तो मेरी रेगुलेटर को ये सजेशन है कि वो अपनी रिकमेंडेशन को एक टाइम पीरियड के अंदर लागू करवाने के लिए कोई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाए, जिससे कि जो रिकमेंडेशन ट्राई कर रहा है उसको एक विद इन स्पेसिफिक पीरियड में लागू किया जाएगा, तभी वो डिजिटल इंडिया के लिए और टेलीकॉम यूजर्स के लिए फायदा होगा, वरना एक तरह से लाइब्रेरी क्रिएट होती जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है मनोज, आप क्या सोचते हैं इस पर? क्योंकि राजेश जी ने जो बात यहाँ पर कही कि एक टाइम बाउंड होना चाहिए, रिकमेंडेशंस आपने दे दी हैं, लेकिन कहीं मोनोपोली ना हो जाए, कंज्यूमर के हित की हम एक तरफ बात कर रहे हैं लेकिन कहीं कंज्यूमर को ही नुकसान ना पहुंच जाए। देखिए, जो राजेश जी ने कहा वो पॉइंट बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल ही वैलिड पॉइंट है कि ये एक टेलीकॉम ऑपरेटर्स की भी डिमांड है एक लंबे टाइम से, क्योंकि हम नेट न्यूट्रलिटी में कहते हैं कि किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ इशू ये है कि जो OTT प्लेयर्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गए, स्काइप हो गए, ये जो हैं ये OTT प्लेयर्स वॉइस सर्विसेज देते हैं, और इसी वॉइस सर्विसेज के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर ने काफ़ी सारा पैसा उन्होंने लाइसेंस फी में दिया है, काफ़ी ज़्यादा पैसा उन्होंने स्पेक्ट्रम के लिए दिया है, और वो सरकार को टैक्स देते हैं। तो एक तरीके से यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। एक तरफ तो वो ऑपरेटर है जो कि वॉइस टेलीफोनी सर्विस दे रहे हैं, जिन्होंने कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं स्पेक्ट्रम को एक्वायर करने में, और साथ ही वो हर साल उतनी लाइसेंस फी देते हैं। दूसरी तरफ ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सरकार को एक पैसा भी नहीं दिया, लेकिन वही सर्विस वो OTT प्लेयर्स देते हैं। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि दोनों सेट ऑफ प्लेयर्स एक ही लाइसेंसिंग रिजीम के में आए, और ये एक डिमांड है जो कि TRAI के सामने बहुत लंबे टाइम से है, लेकिन TRAI ने इसको हमेशा से ही इग्नोर किया है। TRAI ने पहले जो रिकमेंडेशंस दिए थे वो दिए थे फरवरी 2016 में, वो थे डिफरेंशियल प्राइसिंग के, और वो उन बेसिकली रिकमेंडेशंस में ये कहा गया था कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स अलग अलग कस्टमर्स से अलग अलग टैरिफ नहीं चार्ज कर सकते कंटेंट के लिए। सर बहुत जल्दी से राजेश जी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, फिर एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद आप अपनी बात कह सकते हैं। मनोज जी, जी सर। मनोज जी की मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, बट मैं क्या कह रहा हूँ कि लाइसेंसिंग कंडीशन के लिए मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि स्काइप व्हाट्सएप या फेसटाइम को आप लाइसेंसिंग में लेके आ जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन्हें लाइसेंसिंग कंडीशन में आप नहीं लेके आ रहे हैं
तो जो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर हैं उनको भी लाइसेंसिंग कंडीशन से बाहर कर दीजिए, जिससे कि दोनों की लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन हो जाए। आप डिस्पैरिटी मत कीजिए। राजेश जी, आपने जो बात कही यहाँ पर कि ट्राई की जो रिकमेंडेशंस हैं, एक टाइम बाउंड के अंदर ही उन्हें यहाँ पर जो है वो लागू करना चाहिए, आपके हिसाब से कितने टाइम में? सर नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि किस टाइप की रिकमेंडेशन है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि टेक्नोलॉजी को और पॉलिसी को, दोनों को एक साथ चलना चाहिए। परंतु हम क्या पाते हैं कि हमारी पॉलिसी अभी भी 1998 की है, जबकि टेक्नोलॉजी की हम 2020 की बात करते हैं। नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसके ऊपर ट्राई रिकमेंडेशन दे देता है, DOT उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता या पॉलिसी नहीं बना पाता, उसकी वजह से ट्राई की रिकमेंडेशन कोल्ड स्टोरेज में चली जाती है। तो ऐसी रिकमेंडेशन को लाने का फायदा क्या है कि अगर उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करके यूजर्स को बेनिफिट ना दिया जाए। तो मेरा कहना क्या है कि कोई टाइम बाउंड के लिए डिपेंड करता है कि ट्राई की जो रिकमेंडेशन है, जैसे नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर रिकमेंडेशन है, अभी FCC ने भी उसको थोड़ा डेफर कर दिया है, ट्राई ने भी उसको डेफर कर दिया है। सबसे बड़ी जो OTT की मैं जो बात कर रहा हूं कि OTT के बारे में इतने सालों से बात चल रही है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। रिकमेंडेशन ट्राई ने दी है, आपको लगता है कि उन पर किसी तरह का कोई काम नहीं होगा और वो भी एक तरह से साइड में रख दी जाएंगी? नहीं, असल में यही तो बात हम इंडस्ट्री का कहना है काफी सालों से कि ट्राई की रिकमेंडेशन पे इमीडिएटली डिसीजन ले लेना चाहिए, वरना अगर ये कोल्ड स्टोरेज में चला गया या टाइमली डिसीजन नहीं हुआ तो ऐसी रिकमेंडेशन का कोई फायदा ही नहीं। एब्सोल्युटली सर। मनोज जी, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो अगर नेट न्यूट्रलिटी हो जाती है तो देखना ये होगा कि उन स्टार्टअप्स का क्या होगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया एक तरह से तेजी से उस तरफ हम कदम भी बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर ऐसा हो जाता है तो इन स्टार्टअप्स का क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि जो स्टार्टअप्स, मतलब जो एक जो आर्गुमेंट है नेट न्यूट्रलिटी के फेवर में, वो सबसे बड़ा यही है कि स्टार्टअप्स के लिए नेट न्यूट्रलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस समय 2 साल पहले फेसबुक ने ये सारे का सारा इंडिया में शुरू करा, फ्री बेसिक्स के नाम पे एक कंपेन शुरू करा कि हम लोग कुछ सेट ऑफ वेबसाइट्स को फ्री में देंगे, और उसके साथ उन्होंने कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ टाई अप भी किया, जैसे आरकॉम के साथ उन्होंने टाई अप किया, उसी तरीके से एयरटेल ने भी कुछ जीरो सर्विसेज उन्होंने देनी शुरू करी। तो उस समय जो उनका पोजीशन बेसिकली स्टार्टअप से ही हुआ था, स्टार्टअप्स ने कहा कि अगर कुछ पर्टिकुलर साइट्स को या कंटेंट को अगर प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला तो हम लोग जो हैं स्टार्टअप्स, हमारे पास जो पैसे की कमी है तो हम लोग तो उनके साथ कभी कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होने के लिए नेट न्यूट्रलिटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वो इसीलिए फरवरी 2016 में जो TRAI ने डिफरेंशियल गाइडलाइंस दी थी, उसमें उन्होंने यही बोला था कि आपको सबसे एक जैसा टैरिफ चार्ज करना है। और आज की जो गाइडलाइन, आज की जो रिकमेंडेशंस है, बेसिकली फरवरी 2016 की जो रिकमेंडेशंस थी उसी का एक तरीके से एक्सटेंशन है। आज वो सिर्फ क्वालिटी की ही बात कर रहे हैं, और अगर आपको ध्यान होगा उस समय भी जो TRAI ने एक कुछ जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक ऑप्शन दिया था कि वो एक क्लोज यूजर ग्रुप बना के उस क्लोज और वो एक क्लोज यूजर ग्रुप को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो कि उनके अपने ही सब्सक्राइबर्स हैं, और उसी के तहत जो जियो की जो TV की सर्विसेज चल रही हैं वो उसी के तहत चल रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिस्टर चारिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आरिश शर्मा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। जी बिजनेस तक खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।